अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में 4 मैचों का प्रतिबंध लगाया है। आईसीसी ने कहा कि सरफराज ने गलती स्वीकार कर ली थी, उन पर एंटी रेसिज्म कोड की धारा 7(3) के अनुसार प्रतिबंध लगा है। पाक कप्तान अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे की सीरीज में आखिरी 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। शोएब मलिक टीम के कप्तान होंगे। सरफराज 3 T20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों से बाहर रहेंगे। फेहुल कुआओ को कहा था काला। नस्लीय टिप्पणी की घटना पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे के दौरान की है। उस मैच में 37वें ओवर के दौरान सरफराज ने विकेट के पीछे एंडले फेहुल कुआओ से कहा था, अबे काले तेरी अम्मी कहाँ बैठी है, क्या पढ़वा के आया है आज। आईसीसी के CEO डेव रिचर्डसन ने कहा कि आईसीसी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है। सजा देने के वक्त इन बातों का भी ख्याल रखा गया। इसके बाद सरफराज ने ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। उन्होंने फेहुल कुआओ से मुलाकात कर उनसे भी माफी मांगी और ट्विटर पर साथ में एक फोटो डाला। सरफराज ने लिखा, मैंने एंडले से माफी मांगी और उन्होंने मेरी माफी स्वीकार कर ली है। उम्मीद करता हूँ दक्षिण अफ्रीका के लोग भी मेरी माफी स्वीकार कर लेंगे।